नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन ट्रिपल तलाक को लेकर सुनवाई हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने इस मसले पर अपनी दलीलें पेश की। मेरी जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा कि इस्लाम में व्हाट्सएप पर दिए गए ई डिवोर्स की स्थिति क्या है। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ट्रिपल तलाक पिछले 1400 वर्षों से चला आ रहा है, आप इसे कैसे असंवैधानिक करार दे सकते हैं। कोर्ट किसी की आस्था या विश्वास के मामले में दखल ना दे। तीन तलाक सन 637 से है, इसे गैर इस्लामी बताने वाले हम कौन होते हैं। मुस्लिम बीते 1400 वर्षों से इसका पालन करते आ रहे हैं, यह आस्था का मामला है, इसलिए इसमें संवैधानिक नैतिकता और समानता का कोई सवाल नहीं उठता। तीन तलाक हिंदू धर्म की उस मान्यता के जैसा है कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट से कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को अवैध और संवैधानिक करार देता है तो सरकार मुसलमानों में विवाह और तलाक के नियमन के लिए विधेयक लेकर आएगी। तीन तलाक केस में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन होता है। उन्होंने कहा था कि तलाक के सभी प्रारूप प्रकृति के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं को समुदाय में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह साफ कर दिया था कि वह समय की कमी की वजह से सिर्फ तीन तलाक पर सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट केंद्र के जोर के मद्देनजर बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दों को भविष्य में सुनवाई के लिए खुला रख रहा है। इससे पहले 12 मई को हुई सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि एक बार में तीन तलाक देना ना केवल इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और ये मुस्लिम महिलाओं को जिंदा दफनाने जैसा है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों में शादी को खत्म करने का यह तरीका बेहद खराब और बर्दाश्त ना करने वाला है। वहीं कोर्ट में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि तीन तलाक कानूनी दखल का मामला नहीं है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को इसको नकारने का अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने कहा था कि महिलाएं निकाहनामा यानी कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर तीन तलाक को नकार सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए नजर डालिए टॉप 5 हेडलाइंस पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति के घर सीबीआई ने मारा छापा। चेन्नई में 14 जगहों पर डाली रेड। रिपोर्ट्स का दावा, एसएल मैक्सिस केस के तहत की गई रेड। कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सोमवार को हुई सुनवाई पूरी। भारत पाकिस्तान ने दी अपनी अपनी दलील। कोर्ट ने पाकिस्तान का वीडियो देखने से किया इनकार, फैसले की तारीख तय नहीं। सीबीआई ने 13 कंपनियों पर दर्ज की 2,252 करोड़ रुपए विदेश भेजने की एफआईआर। एक कमरे में चल रही कंपनी ने 7 महीने में भेजे 463 करोड़। निर्देशक राजमौली ने शुरू किया बाहुबली 3 पर काम। 2 साल पहले ही ट्वीट में कर दिया था तीसरे पार्ट का जिक्र। बाहुबली और बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े सफलता के झंडे। महिला वनडे क्रिकेट में 320 रन की साझेदारी। दुनिया में पहली बार दीप्ति शर्मा और प्रीति राउत की जोड़ी ने किया यह कमाल। दोनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की मदद से भारत ने बनाए 358 रन।